हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अंकुर सरीन, डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली इंडिया से। इस चैनल पे हम बात करते हैं स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, और आज की वीडियो एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड टॉपिक के बारे में है। काफ़ी सारे लोग हमसे ऑनलाइन में पूछते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स इसके क्लिनिक पर आते हैं और वो पूछते हैं कि हम डार्क अंडर आर्म्स को कैसे कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डार्क अंडर आर्म के कॉजेस, उसकी ट्रीटमेंट, क्या आप घर पे कर सकते हैं उसको कम करने के लिए। इस वीडियो में डार्क अंडर आर्म्स के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी चीज़ को ठीक करना है तो सबसे पहले उसका कॉज, रूट कॉज पर हमें काम करना होगा। तो डार्क अंडरआर्म्स के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो हो गया जेनेटिक्स। हो सकता है कि आपके मम्मी या पापा में भी डार्क अंडरआर्म्स हो और आपके अंदर भी वही जीन आया हो, तो उस केस में जो आपके अंडरआर्म्स में मेलनिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी और इसके कारण आपके जो अंडरआर्म्स है वो थोड़े डार्क दिखाई देंगे। दूसरा है इरिटेशन। अब ये केमिकल से हो सकता है, जैसे कि आप कोई आफ्टर शेव वगैरह अगर यूज़ कर रहे हैं उस एरिया में, कोई परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं आप, और कई बारी ये जो केमिकल्स हैं इससे इरिटेशन के साथ साथ एलर्जी भी हो सकती है, और जब आपकी स्किन को इंजरी होती है और वो हील होती है तो उसके बाद वहाँ पे वो डार्क पैचेस को छोड़ सकती है। टाइट क्लोथ्स पहनना, खासकर उन लोगों में जो कि ओवरवेट है, क्योंकि जब वो चलते हैं तो वो जो टाइट क्लोथ्स हैं उसके अंडर आर्म्स में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और वहाँ पर दोबारा इंजरी होती है, और उसके बाद जब वो हील होता है तब वापस से कलर बनने लगता है और अंडर आर्म्स जो है वो डार्क हो जाते हैं। उसके बाद एक और कॉमन कारण है एकैंथोसिस निग्रिकेंस। एकैंथोसिस निग्रिकेंस में जो अंडर आर्म्स हैं, आपके नेक का एरिया है, वो डार्क हो जाता है, और ये भी आपका वेट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है इंसुलिन राइज करने के वजह से, क्योंकि बॉडी में वेट के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और जितना इंसुलिन आपको नॉर्मली चाहिए बॉडी उससे कहीं ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगती है, और उसके कारण यहाँ पे ब्लैक पैचेस आ जाते हैं। तो नेक, अंडर आर्म्स, आपके मुंह के पास, आपके थाईज में, इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई में, मतलब आपके प्राइवेट एरियाज के आसपास भी डार्कनेस होती है, तो एकैंथोसिस निग्रिकेंस आजकल बहुत कॉमन कॉज है। इसके अलावा भी कई सारे कॉजेज हैं, जैसे कि एडिसन्स डिजीज, थायराइड डिजीज, कोई ड्रग अगर आप लेते हो जैसे कि OCPs, निकोटिनिक एसिड, ये सब भी आपके जो अंडर आर्म्स हैं उसमें डार्कनेस कर सकती है। तो अगर आप जा रहे हो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अंडर आर्म डार्कनेस के ट्रीटमेंट के लिए, तो अपने सारे मेडिसिन हिस्ट्री भी उनको बताना बहुत ज़रूरी है। अब अगर अंडर आर्म डार्कनिंग हो गई है तो उसको हमें कम करना है, और कम करने के लिए सबसे पहले हमें रूट कॉज को एलिमिनेट करना है। तो इसमें अगर परफ्यूम है, कोई कॉस्मेटिक जो आप अंडर आर्म लगा रहे थे जिससे आपको एलर्जी की आशंका है, तो आप उसके लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलके पैच टेस्ट के लिए पूछ सकते हो, और वो पैच टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो आप उन चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम वेट की है तो आपकी वेट लॉस जर्नी आपको स्टार्ट करनी होगी, ये आपको फ्रिक्शन से भी बचाएगी और इसमें एकैंथोसिस निग्रिकेंस भी कम होगा, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है जो कि इंडिया में रैम्पेंट है, और इससे आपकी अंडर आर्म डार्कनिंग कम हो जाएगी। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जिसका साइड इफेक्ट है अंडर आर्म डार्कनिंग, तो उसको भी आपको एलिमिनेट करना होगा। स्मोकिंग करते हो तो उसको भी छोड़ना होगा। अगर जेनेटिक कॉज है तो डेफिनेटली आपको सीधा ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा, आप उसके रूट कॉज को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम उस एरिया के स्किन केयर के बारे में बात कर लेते हैं। आप नहाओगे, उसको रोज क्लीन करोगे, एरिया में आप थोड़ा डीपिगमेंटिंग एजेंट्स लगा सकते हो। डीपिगमेंटिंग एजेंट्स में आपको लिकोरिस, कोजिक एसिड, जो भी आपको अवेलेबल है आपके पास है आप लगा सकते हो। कुछ रोल ऑन अवेलेबल हैं डीपिगमेंटिंग रोल ऑन, जो काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं लगाने में, वो भी आप लगा सकते हो, और उनसे भी पिगमेंटेशन रिड्यूस हो सकती है। एक चीज़ खास ध्यान रखिए, बहुत सारे पेशेंट आते हो कहते हैं हम स्क्रब कर रहे थे तो ये उससे बेटर होता है, बट जब आप स्क्रब करते हो तो आपको थोड़ी देर ही लगता है उससे बेटर हो रहा है, जब वो इंजरी होती है उसके अंदर छोटी छोटी स्क्रबिंग के वजह से वो हील होती है तो वापस से हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है। इसलिए स्क्रबिंग हम अंडर आर्म डार्कनिंग में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। कुछ लोग घरेलू नुस्खे भी ट्राई करना चाहते हैं, टर्मेरिक पाउडर, आपका लेमन हो गया, हनी हो गया, पोटैटो पील हो गया, ये सब करते हैं, कर्ड यूज़ करते हैं, तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ आप यूज़ मत करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ यूज़ करते हैं तो फिर उसमें स्किन डैमेज होने का डर रहता है, और स्किन डैमेज के बाद कभी भी स्किन जो है वो लाइटन नहीं होती, वो हमेशा डार्क ही होती है। तो अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल रखते हो, वेट लॉस करते हो और
घर पे डीपिगमेंटिंग सीरम्स यूज़ करते हो और जो आपकी गलत कॉस्मेटिक्स है, इरिटेटिंग कॉस्मेटिक्स है अंडर आर्म में, अगर आप वो बंद करते हो, ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपको अंडर आर्म पिगमेंटेशन में कुछ लाइटनिंग ज़रूर मिलेगी। अगर इससे आपके अंडर आर्म पिगमेंटेशन लाइट नहीं हो रही है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पे जा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करता हूँ अंडर आर्म लाइटनिंग के लिए। सबसे पहले तो ऑफकोर्स हम भी पेशेंट से एक हिस्ट्री लेते हैं, कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, वेट एक्सेसिव हो पेशेंट का तो वो उसको बताते हैं और उन चीज़ों पे हम वर्क करते हैं ताकि वो रूट कॉज ऑफ जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाए। उसके अलावा कई सारे प्रिस्क्रिप्शन डीपिगमेंटिंग एजेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। इसमें हाइड्रोक्विनोन एक आता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स आती हैं जो कि हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप घर पे लगाओ। अब ये जो एसिड्स हैं और जो डीपिगमेंटिंग लोशंस हैं जो प्रिस्क्रिप्शन वाले होते हैं, ये आपके स्किन को हल्के हल्का करके लेयर बाय लेयर हटाते हैं और उसमें से कलर प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपको अंडर आर्म डार्कनिंग में या पिगमेंटेशन में इम्प्रूवमेंट मिलने लग जाती है। इसके अलावा हम पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि वो केमिकल पील्स या फिर कुछ लेज़र ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नाउ केमिकल पील्स जो कि मेरे ओपिनियन में बेस्ट काम करती है अंडर आर्म डार्कनिंग में, वो TCA पील होती है, और TCA पील भी जो स्पेशली फ्रेश बनी हुई होती है, जो उसी समय बनाई जाती है, वो बेस्ट काम करती है बाकी पील्स के कंपैरिजन में। तो हम TCA पील लगाते हैं पेशेंट पे, उसको हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं थोड़ी देर, और जब फ्रॉस्टिंग होती है उसमें तब हम उसको मॉइस्चराइज करते हैं। उसके बाद 2 या 3 दिन में जो पेशेंट की स्किन है वो थोड़ी शेड ऑफ होती है और कलर प्रोडक्शन कम होता है। इस पीलिंग के कई सारे सेशंस के बाद पेशेंट्स को एक अच्छा रिजल्ट आता है, तो काफ़ी पेशेंस की इसमें ज़रूरत है। और साथ ही जो रूट कॉज है, पेशेंट उस पर भी काम करता रहता है घर पर। पील्स के बाद एक और अच्छा ऑप्शन रहता है लेज़र ट्रीटमेंट का। लेज़र में क्यू स्विच और कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, ये 2 मेन लेज़र्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अंडर आर्म पिगमेंटेशन कम करने के लिए। क्यू स्विच से हम अंडर आर्म पिगमेंटेशन को तोड़ देते हैं, उसमें मेलानिन जो होता है उसको तोड़ देते हैं और वो मेलानिन आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। CO2 लेज़र में हम रिसरफेस कर देते हैं उसको, जो आपके पिगमेंटेशन होती है। तो इन दोनों को भी हम यूज़ कर सकते हैं सिवियर केसेस में। काफ़ी सारे केसेस केवल केमिकल पील से ही ट्रीट हो जाते हैं। अगर पेशेंट का वेट एक्सेसिव है तो एक दवाई आती है मायोनिसेटॉल। मायोनिसेटॉल जो होती है वो इंसुलिन जैसा काम करती है हमारे बॉडी में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए एकैंथोसिस निग्रिकेंस में खासी काम आती है, और ये भी कई बारी हम पेशेंट्स को देते हैं ताकि उनका रिजल्ट जो है वो अच्छा आए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अंडर आर्म पिगमेंटेशन पे, उसके कॉजेस पे, उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो देखकर आपने अंडर आर्म पिगमेंटेशन के बारे में और कई सारी नई बातें सीखी होंगी। अगर आपका अंडर आर्म पिगमेंटेशन पे कोई सवाल है, आपको कुछ हमसे पूछना है, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। और अगर आपको ऐसे ही स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज को देखना अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो कि अंडर आर्म पिगमेंटेशन से जूझ रहा है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं लाता रहूंगा ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।